हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो बच्चों, हम अपने प्रीवियस वीडियो में अपना जो लास्ट जो चैप्टर था इकोसिस्टम, उसको ख़त्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट यूनिट 4 का जो चैप्टर है बायोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि कितने भारत में जियोग्राफिकल एरिया में कितने तरह के प्लांट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए, और ये जो मैंने बुक से इसके नोट्स लिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किस एरिया में किस तरह के प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं भारत में। तो आप सब जानते हैं कि भारत में जो है वो अलग अलग तरह की, कहीं हिमालय पे बर्फ़ है, कहीं एकदम एरिड रेगिस्तान है, तो और कहीं पे नदियाँ हैं, पानी है, कहीं खारा पानी है, समुद्र किनारा है। तो अलग अलग तरह की जलवायु जो है वो भारत में है। तो इस हिसाब से भारत का जो बायोजियोग्राफिकल या प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोजियोग्राफिकल रीजंस ऑफ इंडिया। उससे पहले हम देखते हैं कि जो भी चैप्टर का नाम होता है उसका मीनिंग आपको आना जरूरी है। बायोजियोग्राफिकल जो है बायोजियोग्राफी से वर्ड लिया गया है। बायोजियोग्राफी का मतलब होता है, पहले तो जियोग्राफी का मतलब समझते हैं। जियोग्राफी का मतलब होता है हिंदी में भूगोल। भूगोल एक सुस्थापित और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत हम जितने भी जो अर्थ है उसके ऊपर अलग अलग तरह की जो वहाँ की फिजिकल जियोग्राफी है, जैसे वहाँ पे सागर है, समुद्र है, मृदा कैसी है, वहाँ ग्लेशियर्स कैसे हैं, वहाँ रिलीफ्स कैसी है, वहाँ वॉल्केनो, वहाँ की जो जलवायु के हिसाब से अलग अलग तरह की जो ढांचा है या जो फ्रेमवर्क है, वही उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, इन सब अलग अलग एरिया का, तो उसको हम कहते हैं जियोग्राफी। मतलब जो जीवन रूप है इस धरती पर अलग अलग संरचनाओं का, वो किस तरह से है। और बायो का मतलब है कि सजीवों का उस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो पादप भूगोल और जो प्राणी भूगोल, यानी कि प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम बायोजियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि पादप भूगोल व प्राणी भूगोल जो है उनको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। कॉक्स के अकॉर्डिंग बायोजियोग्राफी का एक अगर हम सिंपल मीनिंग समझें कि, तो बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस एंड टाइम, पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम, यानी कि जीवों के स्थान व समय के संदर्भ में वितरण प्ररूप के अध्ययन को ही हम जीव भूगोल या बायोजियोग्राफी कहते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी, लेकिन इसका कुल मिला के जो सार है वो यही निकलता है कि अलग अलग जितने भी समय और एक निश्चित समय और स्थान के संदर्भ में किसी भी स्थान पर वहाँ की वनस्पति किस तरह की है, उसको हम कहेंगे प्लांट जियोग्राफी या पादप वन भूगोल। ठीक है, आधुनिक जितने भी बॉटनिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग पादपों का जो वातावरण है उसका इंटररिलेशंस, उसका कोरिलेशंस जो है, उसका डिस्ट्रीब्यूशंस और उसका ओरिजिन्स जो है वो इस प्लांट जियोग्राफी के साथ जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो भारत के जितने भी जीव बायोजियोग्राफिकल जो रीजंस हैं उनको किस आधार पे बांटा है, तो मेन उनको क्लाइमेटिक रीजंस के अकॉर्डिंगली बांटा है कि भारत की जो जलवायु है, जो अलग अलग जगह पे जलवायु की विविधता है भारत के अंदर, क्योंकि भारत में अलग अलग तरह का जियोग्राफिकल एरिया पाया जाता है, तो वर्षा के आधार पर जो भारत मेन भारत में वर्षा जो है वही डिसाइड करती है, क्योंकि जो रेगिस्तान है वहाँ वर्षा कम होती है और जो बाकी हिस्से जहाँ हैं वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। तो वर्षा के आधार पर चार क्लाइमेटिक रीजन्स बनाए गए हैं, वेट जोन, इंटरमीडिएट जोन, ड्राई जोन एंड एरिड जोन। जो सबसे पहला है वेट जोन, जिसको हम बोल्ड जोन भी कहते हैं, उसमें जो बारिश है बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ऐसा किस किस एरिया में होता है, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, बिहार, आसाम, मेघालय, उड़ीसा, ये सब। और आप सब जानते हो कि आसाम में जो मासिनराम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है। तो इन क्षेत्रों की वनस्पति जो है वो कैसी हो जाएगी, उद्र उष्ण आर्द्र सदाबहार या उष्ण सदा अर्ध सदाबहार, इस टाइप की वहाँ की वनस्पति होगी। फिर इंटरमीडिएट जोन, इंटरमीडिएट जोन जो है उसमें वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ऐसा कहाँ पाया जाता है, MP है, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू पंजाब, दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी दक्कन के क्षेत्र, यहाँ पर जो है वो डेसीडुअस फॉरेस्ट या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके बाद में शुष्क यानी कि ड्राई जोन है,
जहाँ पे 50 to 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश या पंजाब का कुछ भाग होता है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, इस तरह के। और यहाँ पे जो वनस्पति है वो डेसीडुएस, जो शुष्क डेसीडुएस फॉरेस्ट है, उनके साथ साथ कुछ थॉर्नी स्क्रब, थॉर्नी श्रब्स है, ये गलत लिखा हुआ है, स्क्रब यहाँ पे आप थॉर्नी श्रब्स पढ़े, SHRUB, और थॉर्नी का मतलब जिसपे कांटे लगे रहते हैं। और मरु क्षेत्र यानी कि एरिड जोन, जो आप सब जानते हैं मरुस्थल जो है, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, तो इस क्षेत्रों में और राजस्थान का और ये इस क्षेत्रों में जो पंजाब आ जाता है, पंजाब का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी गुजरात और दक्षिणी सिंध, ये सारे इसमें प्रदेश शामिल होते हैं। और यहाँ की जो वनस्पति शुष्क होती है और कंटीली झाड़ियाँ और वनों के रूप में प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि भारत में भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या मत है। अलग अलग साइंटिस्ट में जैसे सर्वप्रथम बुकर है, बुकर ने 1955 में अपनी पुस्तक लिखी थी, अपनी बुक लिखी थी फ्लोरा इंडिका, उसमें इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को फ्लोरल ऑफ बॉटनिकल प्रोविंस यानी कि 9 प्रांतीय पादपी प्रांतियों में बांटा था। तो अब इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पे बांटा, जैसे हम क्लार्क की बात करें, क्लार्क ने 11 प्रांत प्रस्तावित किए, हुकर ने 9 क्षेत्र प्रस्तावित किए, चटर्जी ने 10 प्रांत, मतलब कुछ क्षेत्र सब में कॉमन थे लेकिन कुछ ने अपने कुछ नए क्षेत्र दिए, इसलिए उनके अलग अलग हो गए। रोजी जो है उन्होंने 2 प्रांत यानी कि भू आकृतिक जलवायु तथा प्रवास भागों के अध्ययन के आधार पर बांटा। जैन जो है उन्होंने 9 भागों में व्यक्त किया। रोजर और पवार ने 10 प्रदेशों में, मेहर और होमजी ने 10-14 पादपों के भौतिक भौगोलिक क्षेत्र में। लेकिन जब प्लांट जियोग्राफी जो है उसमें हम चटर्जी का जो वर्गीकरण है उसको हम सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो हम इसमें भी आगे चटर्जी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो चटर्जी द्वारा भारत को वर्तमान भौगोलिक आधार, जैसे जिसमें पाकिस्तान, लंका, बर्मा के अतिरिक्त जो भी सामान्य निम्नलिखित क्षेत्र है, उन्होंने उसको 9 बॉटनिकल रीजन में बांटा। ये आप ऊपर डायग्राम में क्लार्क का है, जो क्लार्क ने 11 प्रांत बांटे थे, उसमें वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, आसाम, इंडियन डेजर्ट और मालाबार, कोरो रीजन और पेगू, अवा, इन सब में बांटा था। तो ये क्लार्क का है। तो आगे हम देखेंगे चटर्जी का, चटर्जी ने जो बांटा था उसमें 9 रीजन में सबसे बड़ा है वेस्टर्न हिमालयाज, और उसके बाद ईस्टर्न हिमालयाज। आप सब जानते हैं कि वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न जो घाट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। भारत की ये दो बहुत प्रमुख बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं। तो इसमें वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडस प्लेन जिसको हम वेस्टर्न डेजर्ट भी कहते हैं, गंगेटिक प्लेन गंगा का मैदान, और मध्य हिमालय, सेंट्रल हिमालय, पश्चिमी तट और मालाबार, द वेस्ट कोस्ट और मालाबार, दक्षिणी पठार, डेक्कन प्लेट्यू, आसाम और अंडमान और निकोबार। अब ये हुकर का है जो डायग्राम है। इधर हम चटर्जी का समझ लेते हैं क्योंकि चटर्जी का इंपॉर्टेंट है, हम चटर्जी के अकॉर्डिंग जो भी बायोजियोग्राफिकल रीजन है उनको पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देखिए सबसे ऊपर जहाँ हिमालय है उसको वेस्टर्न हिमालयाज, इधर की तरफ जो इंडस प्लेन है, नीचे की तरफ केरला की तरफ जो मालाबार तट है या डेक्कन है, और बीच में जहाँ गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र उसको गंगेटिक प्लेन, यहाँ सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय के इधर बाई तरफ ईस्टर्न हिमालयाज, फिर उसके बाद में ये आसाम है, सबसे इधर ऊपर बर्मा, अपर बर्मा है, लोअर बर्मा है, और मलाया पेनिनसुला है, और सबसे नीचे श्रीलंका है। तो इस तरह से इन्होंने इसको 9 क्षेत्रों में बांटा। किसने? चटर्जी ने। ये एरोजी का जो है उसका बॉटनिकल रीजन्स ऑफ इंडिया है। तो आप इसमें देखो क्लार्क, हुकर और चटर्जी और रोजी, तो इनकी लगभग काफ़ी जो इन्होंने रीजन में बांटा उसमें समानता है। जिसने वेस्टर्न हिमालय तो सबने बांटा इंडियन डेजर्ट है। अब उस किसी क्षेत्र को क्लार्क ने इंडियन डेजर्ट कहा तो हुकर ने उसको इंडस प्लेन कहा, चटर्जी ने उसको इंडस प्लेन कहा, लेकिन रोजी ने उसको इंडस, रजवाड़ा, पंजाब, गुजरात, इस तरह से अलग अलग रूप में बांटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चटर्जी का जो भी बॉटनिकल रीजन्स जो उसने दिए थे, तो उसमें सबसे पहला है वेस्टर्न हिमालय। पश्चिमी हिमालय जो है इसमें जो बारिश है औसत वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। वर्षा की मात्रा पश्चिमी की ओर अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यहाँ पे शरद ऋतु में हिमपात ज़्यादा होता है। इस क्षेत्र में जलवायु विविधता भी ज़्यादा पाई जाती है। पर्वत श्रृंखला पर जैसे जैसे ऊंचाई की ओर हम बढ़ते हैं तो शीघ्रता से दूसरे क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाता है। इसको हमने 3 भागों में बांटा है, सब मोंटे और बेसल द अर्थ हिल जोन, जिसमें 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर ये फैला हुआ है, और इसके अंदर कौन से मेन वृक्ष है वही इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं, तो यूजीनिया, जेम्बोलेना, सोरिया रोबस्टा और डेलबर्जिया सीसो यानी कि सीसम, अपेक्षाकृत जो कम नमी स्थान है वहाँ पे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अब यहाँ ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ढाक या प्लास या जंगल की आग कहते हैं।
कई बच्चों को ये पता नहीं होगा कि इसको जंगल की आग क्यों कहते हैं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि इससे जंगल में आग लग जाती है। ऐसा नहीं है बच्चों, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है उसमें जब फ्लोवरिंग होती है तो उसके फ्लोवर जो होते हैं वो इतने सुंदर ऑरेंज कलर के होते हैं और ऊपर से ऐसा दिखता है कि जैसे जंगल में आग लग रही हो, तो इसलिए उसको हम जंगल की आग कहते हैं। और कॉमन इसका नाम डार्क पलास है और इसको हम बॉटनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। अकेसिया कैटेचियो फाइकस ग्लोमेटा यानी कि पीपल। अधिक शुष्क स्थान पर अगर हम चले जाएं तो वहाँ जीजीपस अकेसिया मेलोटस यूफोर्बिया पहाड़ी ढलानों पर पाए जाते हैं। तो इस तरह की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन मिक्स्ड और मिक्स्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण या मिश्रित जो शंकु वृक्षी वन है उनका। यहाँ पे 1500 से जब 3500 मीटर की ऊंचाई पर हम जाएंगे तब इसे ये क्षेत्र आता है। इसमें डेसीडुअस ब्रॉड लीव्स ट्रीज पाए जाते हैं जिसमें मेन रूप से पाइनस जियार्डियाना चिलगोजा जो आप सब जानते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गाए, ये सारे जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वाले प्लांट हैं, सीड्रस देवदरा एबिस पेंड्रो और पीसिया मोरिंडा क्यूप्रेसस टाउलिसा टेक्सस बकेटा, ये सारे प्लांट जो है बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वाले प्लांट्स जो है ये 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर फैला रहता है। इसमें जो तीसरा क्षेत्र है वो आ जाता है अल्पाइन। अल्पाइन जो है उसमें 3500 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तब ये हिम क्षेत्र पर 5000 तक के वृक्ष जो होते हैं छोटे छोटे झाड़ियाँ और वहाँ पाई जाती हैं और इसके जो लास्ट में स्नो लाइन आ जाती है, हिमरेखा आ जाती है, जिसके आसपास हमें सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे हर्ब्स मिलते हैं, कोई वृक्ष नहीं मिलते हैं। 3500 मीटर की ऊंचाई की और वृक्ष जो है वो पाए ही नहीं जाते, इसलिए इसको टिम्बर लाइन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर देना। कई बार क्वेश्चन आता है कि टिम्बर लाइन या वृक्ष रेखा किसे कहते हैं। जब हम 3500 मीटर की ऊंचाई की ओर जाते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में तो वहाँ कोई वृक्ष नहीं प्राप्त होता है, तो इसको हम कहते हैं टिम्बर लाइन, यानी कि बस यहाँ वृक्ष खत्म हो जाते हैं। इसमें जो मेन है वो रोडोडेंड्रॉन कैम्पटुलम बटुला यूटिलिस जूनिपेरस प्रिमोला पॉलीगोनम ये सारे हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है बहुत याद करने का, इसलिए हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके इसको चलेंगे और होपफुली आप साथ के साथ याद करें, क्योंकि इससे बड़े क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है कि बायोजियोग्राफिकल रीजंस ऑफ इंडिया बताइए, तो आपको फिर इनका वर्णन। अच्छा एक और चीज़ के आपको एग्जांपल तो सारे ही याद करने हैं, क्योंकि आप जब 10 याद करते हैं तो आपको 4 याद रहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन जो मेमोरी है उसका ये खासियत है। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम याद रखें। थैंक यू सो मच।